सुपर ओवर पे सुपर ओवर 212 पे 212, क्या बात है जी, क्रिकेट की जीत हुई है। देखिए जब कप्तान इस तरह से बल्लेबाजी करेगा या अगर कप्तान बॉलर है तो विकेट लेगा तो टीम का सारा हौसला बुलंद हो जाता है और उनके बारे में बड़ी अच्छी न्यूज है, इसलिए कि बात सुनते हैं, क्लोजली काम करते हैं हर प्लेयर के साथ, उनकी इज्जत है डगआउट में और टीम के लिए खेलते हैं। उनके जो छक्के हैं वो क्लासिकल सिक्सेस हैं, मेरे ख्याल से अगर टर्म यूज की जाए ब्रूटली ब्यूटिफुल तो ये बुरी बात नहीं होगी रोहित शर्मा के लिए जब वो बड़ी हिट मार रहे होते। हो गया दो सुपर ओवर एक मैच में आज तक देखने को नहीं मिले और ये चीज सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। बिल्कुल यार, जिस तरह से उन लड़कों ने परफॉर्म किया, पहले रोहित ने रिंकू ने मारा है, तो बिश्नोई ने जिस तरह 11 रन डिफेंड किया, लग नहीं रहा था कि सुपर ओवर में 11 डिफेंड कर देगा। तीन बॉलों में सुपर ओवर खत्म, बिल्कुल ऐसा ही है, लग नहीं रहा था कि यार कर देगा, लेकिन यार मजा आ गया। ये टी20 क्रिकेट खेल हम हिंदुस्तान के साथ रहे थे लेकिन पेशाब जो है वो पड़ोसी देश का निकल रहा था। अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा यार, अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा दो सुपर ओवर। अबे घंटो, अबे वो पड़ोसी, वो निकम्मो, अबे वो एक कचरो, देख लो अफगानिस्तान की टीम कैसे खेल रही है, सीखो कैसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, दिल बड़ा रखो, हाथ में पावर होना चाहिए। कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है, रोहित शर्मा तो लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सो इजी, इट अपीयर्स ही हैज गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स। मैंने ये बता दिया कि दुनिया का एक ही वाइल्ड हिटमैन है वो है रोहित शर्मा, ये उसने आज साबित भी किया। लानत भेजता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर, अफगानिस्तान से सीख लो यार, अफगानिस्तान से सीख लो। आज रोहित शर्मा ने 8 छक्के और 11 चौके मारे हैं, मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान की नस्लें याद करेंगे। आज अफगानिस्तान के साथ जितना हो चुका है ना, इन्हें मेरे हिसाब से अगर मेरे एंगल से देखें तो इन्हें क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। इस दुनिया में रोहित शर्मा जैसा कोई भी नहीं है, ना दुनिया में है, ना मार्स पे है, ना सन में है, ना मून में है। व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने बाल लिए अपने सही किए, मेरा दिमाग पागल हो गया, घंटा बजा दिया पकड़ के सही वाला, अल्लाह की कसम इसे कहते हैं घंटा बजाना। गैरत क्या होती है तो वो गैरत दिखाई है रोहित शर्मा साहब ने, कि गैरत इस तरीके की होती है, गैरत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। लोग गिरा रहे थे रोहित शर्मा को, आज वो गले लगाने पर मजबूर है। जिनके पास एक आखिरी रोला फिटनेस का पड़ा हुआ था उन्हें भी तबाह गारत करके रोहित शर्मा चला गया। कि अफगानिस्तान का नौजवान गुरबाज विकेट कीपिंग करके सुपर ओवर में थक्कर फारिग हुआ है वो, लेकिन रोहित शर्मा ना थके, ना थकने दिया, ना अपने लोगों को थकने दिया। और मैं फिर बार बार वही बात आपको याद दिला रहा हूं कि अगर वो 17वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के विराट कोहली जिसमें मोहम्मद नबी आउट हुए वो उड़ के वो छक्का बचा के 5 रन सेव नहीं करते तो कहानी हाँ तारीख रकम हो सकती थी। लेकिन इंडियन टीम ने जिस चीज का मुजाहरा किया वो है गैरत। गैरत क्या है कि कोई लड़ाई थोड़ी अफगानिस्तान से, दे आर अ वंडरफुल साइड और वो बड़ा डेवलप हो रही है क्रिकेट में और मेरी भी दुआ है कि वो अच्छा करे ताकि ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा है। लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया कि यार हम कमजोर टीम से अगर हार गए तो ये हमारे लिए जिल्लत है, हम तो वर्ल्ड कप के लिए अब कम्पीट करने वाले खुसूसन इस फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में, तो बर्बाद कर दिया। आज निकल आओ तुम लोग सारे यार, को जो है वो रात की अफगानिस्तान में ढूंढ रहे थे कि अफगानिस्तान किसी तरह इंडिया को हरा दे। इस किस्म के हालात है, किस किस्म के जज्बात है, पागल हो गए हो तुम लोग। इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज के तीसरे मैच के अंदर बड़े दिलचस्प मौके आए। पहला मौका तो ये था कि जिस वक्त इंडियन टीम 22 रन पर 4 खिलाड़ी गंवा चुकी थी, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने पार्टी संभाली और ऐसे ही संभाली कि छक्के पर छक्का, छक्के पर छक्का उनका साथ दिया रिंकू सिंह ने भरपूर साथ दिया। इस तरह टीम का टोटल 212 तक जा पहुंचा। इसके ताकुब में आगाज में अफगानिस्तान की बैटिंग काफी खराब थी, 11 ओवर में सिर्फ 88 रन थे, लेकिन उसके बाद को बल्ला चला और पूरा टारगेट पूरा कर गया। लेकिन एन मौके पर आके मैच टाई हो गया, उसके बाद मैच सुपर ओवर में गया, सुपर ओवर अगेन टाई हो गया, उसके बाद दूसरी में तो सुपर ओवर आया गया जिसके अंदर इंडियन टीम वो सुपर ओवर जीत गई, यानी कि तीसरा T20 भी इंडियन टीम जीत गई। इंडियन टीम की शानदार परफॉर्मेंस, शानदार बॉलिंग के बाद इंडियन टीम अगेन अपनी तीसरी फतह भी इंडिया ने नसीब हुई। पाकिस्तानी मीडिया हैरान है किस तरह इंडिया इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी समेट रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जिस तरह रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस दी बिल्कुल अनबिलीवेबल, उनका साथ जिस तरह रिंकू सिंह ने दिया, रिंकू सिंह एक न्यू अनएक्सपीरियंस प्लेयर है लेकिन एक इतनी बेहतरीन क्लासी पार्टी चलाई रिंकू सिंह ने और खूब रन लगाए, उससे साबित होता है कि बड़े प्लेयर का जो असर होता है वो छोटे प्लेयर में आना शुरू हो गया है। शुभ अख्तर कहना है कि जिस तरह रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह इंडियन टीम की फतुहात का सिलसिला जारी है, लगातार अपनी 15वीं सीरीज जीत चुका है और इस सीरीज के भी लगातार 3 मैच जीत चुका है, यानी कि ये सीरीज भी जीत गई। अगर अगले 2 मैच भी इंडिया टीम जीत गई तो
तो अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप के यानी व्हाइट वॉश कर देगी। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि जिस तरह इंडियन टीम के फतवात बढ़ रही है, इसी तरह अपने कॉम्पिटेटर अपनी मुखालिफ टीमों के लिए खतरे घड्डी बजा रही है, क्योंकि यही इंडिया की T20 वाली टीम आगे T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी। और जिस तरह इंडिया T20 में इस मरतबा शो की परफॉर्मेंस दे रही है, तो आगे T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देगी और ऐसी परफॉर्मेंस देगी कि पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। क्या मुकेश कुमार और आवेश खान में कुछ ज्यादा चीजें है नहीं? मुकेश कुमार आते हैं अपनी लिमिट्स में रहकर बॉल गिराते हैं, बट मेरे पास इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हरदीप सिंह मौजूद है। चौथा आदमी कौन डालना है वो देख ले। ये होती है कैप्टेंसी, ये होता है कमबैक जो इंडिया की टीम ने आज किया। स्पेशली रोहित शर्मा ने जैसी आई परफॉर्मेंस दिया ना, इंडिया वाले तो खुश होंगे ही होंगे। इंडिया की वहां जो पाकिस्तानी वो बड़े खुश थे रोहित शर्मा के छक्के चौके देखे यार, 121 गोल मारा रोहित शर्मा ने यार, मतलब T20 के अंदर इतना बड़ा स्कोर आपने देखा होगा, लेकिन ऐसी कमबैक करके वो रोहित शर्मा के छक्के यार, अफगानिस्तान वाले खुद कह रहे होंगे कि हमने इंडिया के साथ पंगा क्यों लिया। 8 छक्के और 11 चौके जो रोहित शर्मा ने आज अफगानिस्तान को मारे ना, अफगानिस्तान की नस्ल याद रखेगी कि हमने इंडिया के साथ पंगा क्यों ले लिया। और रिंकू सिंह ने जैसे आज अपने कैप्टन का साथ दिया ना, और रिंकू सिंह ने जैसे बैटिंग किया ना, दोहादार बैटिंग, मतलब कि इंडिया को एक बहुत ही अच्छा फिनिशर रिंकू सिंह की सूरत में मिल चुका हुआ है। यार सीधी साफ बात है, अफगानिस्तान की टीम तैयारी करके आई थी विराट कोहली की, लेकिन जो आउट ऑफ लेवल रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस करके दिखा दिया ना भाई, जैनवन इसको कहते हैं कैप्टन। आज कैप्टनसी दिखाई ना, दो मैच में नहीं चला तो क्या हो गया, कौन सा दो मैच हार गए थे, लेकिन उसने कहा चल भाई आखिरी मैच है, एमी मेरे बोर्ड वाले ये ना कहे कि भाई कैप्टन तो किस चीज का हिटमैन किस चीज का, आज हिटमैन चला तो कैसा चला, उसको रोक सका कोई? नो बॉल के बाद इतना बड़ा छक्का। आज देखिए जैसे इंडिया की शुरू पे जैसी बैटिंग लाइन गई है ना, 21 या 26 पे चार आउट हो गए थे, उसके बाद लग नहीं रहा था कि 100-150 तक भी जाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा जो पिछले दो मैचेस में नहीं ना चला, आज उसका लावा बाहर निकल के आ गया, उसने गुस्से निकाल दिए। इस दुनिया में रोहित शर्मा जैसा कोई भी नहीं है, ना दुनिया में है, ना मार्स पे है, ना सन में है, ना मून में है।